चरण के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। गया और औरंगाबाद में पहले ही चरण में चुनाव होगा। मतदान प्रक्रिया शांति और निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिले के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। इसी सिलसिले में पुलिस अनुमंडल अंतर्गत सेलिया कोठी और भदवर थाना क्षेत्र के झारखंड राज्य के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के माध्यम से उग्रवादी संगठनों के खिलाफ जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इमामगंज डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। चुनाव को लेकर कई रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से तीनों थाना क्षेत्रों के कई गाँव में निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गया जिले के बॉर्डर और झारखंड राज्य की सीमा इलाकों में नक्सली गतिविधियों पर नजर रखना है। विद्या शंकर ने बताया कि थाना क्षेत्र के नावा कुंडलपुल और एधारा आदि इलाकों में ड्रोन के माध्यम से नक्सलियों के खिलाफ निगरानी की गई है। वहीं कोठी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के झारखंड राज्य से सटे बगौता और गंगटी में ड्रोन के माध्यम से अभियान चलाया गया है। इस मौके पर सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे। गौरतलब है कि गया और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, जिसकी वजह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे दोपहर तक मतदान होगा। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार की ज्वाइंट ऑपरेशन ने चरमपंथियों की कमर तोड़ दिया है और कई जिलों को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कराया है।